हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 9वीं कक्षा के लिए गणित का होगा। अभी हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था मैथ्स का, उसमें हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया, उसका परिचय हमने कराया। और इसके बाद हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के लिए, और उसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इसके पिछले कक्षाओं में हमने, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, एलजेब्रा पार्ट्स में हमने वन लीनियर के बारे में पढ़ा, और आज इसके आगे आज हमें टू लीनियर के बारे में क्या करना है, चर्चा करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज हम समझेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहला चीज हम ये जानते हैं रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। अगर चर का घात एक होगा तो रैखिक होगा, चर का घात दो होगा तो द्विघात होगा, चर का घात तीन होगा तो त्रिघात होगा। लेकिन हमें ना दो घात पढ़ना है ना त्रिघात पढ़ना है, हमें पढ़ना है रैखिक, जिसमें चर का घात कितना होगा, एक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, दो चरों वाले, मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने चर होंगे, दो चर होंगे, मतलब कितने अज्ञात होंगे, दो अज्ञात होंगे, कितने अज्ञात होंगे, दो अज्ञात होंगे, और वो दो अज्ञात किसके रूप में होंगे, एक रैखिक समीकरण के रूप में होंगे। अब समीकरण जिसमें कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष, ठीक है ना। अगर दो पक्ष होगा तो वो समीकरण होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि दो अज्ञात होंगे, और दो अज्ञात जो होंगे वो जो चर होंगे, उस चर का घात कितना होगा, एक होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होगा। अब आइएगा, अगर हम इसका एक इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, या ए एक्स प्लस बी वाई, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जिसमें से ए व बी इज नॉट इक्वल जीरो होगा। ना तो ए का मान जीरो हो सकता है और ना तो बी का मान जीरो हो सकता है। इसका तात्पर्य यह होगा कि अगर ये का मान जीरो हो जाएगा तो इस चर का मान पूरा पूरा क्या हो जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा पद हमारा जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो ये हमारे पास केवल और केवल कितने चर बचे, एक चर बचा। बात समझ में आ रहा है ना। तो दोनों में से ए और बी दोनों जीरो के बराबर नहीं हो सकते। अगर दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा तो उस दशा में वो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, अपितु एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस दशा में ए और बी इज नॉट इक्वल जीरो होंगे, बल्कि ए बी सी द एलिमेंट ऑफ आर, मतलब वो दोनों किसके अवयव होंगे, एक रियल नंबर होगा, एक वास्तविक संख्या हो सकता है। तो आइए चलते हैं, ठीक है ना। ये चीज इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। किसी को कोई समस्या हो तो हमें आप बता दीजिएगा, और सब लोग भैया कॉपी कलम लेकर के ही आया करिए, तब मजा आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहला चीज आज हमारे पास है प्रश्नावली 4.1। कॉपी कलम लेकर के ही बैठिएगा, मजा आने वाला है, ठीक है ना। आइए चलते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है, ठीक है ना। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण युग्म हमें बताना है। तो आइए चलते हैं, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। यहाँ हमारे पास दो वस्तु हैं, एक नोटबुक है और एक क्या है, कलम है। तो मान लिया पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चंस अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो ये हमारे पास क्वेश्चंस है, इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है एक नोटबुक की कीमत, तो मान लिया नोटबुक की कीमत x रुपया, व कलम की कीमत y रुपया, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट कह रहा है एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दो गुनी है, ठीक है ना। शर्त के अनुसार नोटबुक की कीमत, देखिए नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत, ये ऐसा चीज नहीं कहा है, बल्कि कहा है इसका दुगना है। कितना है भैया? दुगना है। तो नोटबुक की कीमत कितना माना गया है आपके सामने? x माना गया है, इक्वल टू कलम की कीमत कितना माना गया है? y माना गया है। दिस इंप्लाइज x, ये प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस, और इक्वल कितना बचेगा आपके पास? जीरो बचेगा। यही हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा, जो कि हमने इसको निरूपित कर दिया, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ आप लोग स्वतंत्र हैं, आप x मानिए, y मानिए, मतलब आपके पास 26 अक्षर हैं, 26 में से आप किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन क्या है, साधारणतः हम लोग x और y ही मानते हैं। इसका एक नियम ये है कि जो हमारे पहले वाले लोग हैं वही हमको बता करके गए हैं बेटा x और y ही मानो। अब आइएगा, चलते हैं अगला क्वेश्चन। इस चीज़ को समझ में आया होगा ना, नोट कर लिए, मिटा दिया जाए भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax plus by plus c equals 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b व c के मान ज्ञात कीजिए। मज़ेदार सवाल है, मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर ये टू है, और इसमें हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है 2x plus 3y equal 9.35, ठीक है ना, और 5 पर बार लगा है। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है x minus y by 5 और -10 equals 0। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है -2x plus 3y equals 6। क्वेश्चन नंबर फोर है x equal 3y। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास है 2x minus 5y। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास है 3x plus 2 equals 0। सेवन है y minus 2 equals 0। एट है 5 equal 2x। आइए चलिए सवाल पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार पुनः। क्वेश्चंस का रहा, देखिए जब तक क्वेश्चंस आप बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax plus by plus c equals 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ से क्या है, एक चर यहाँ है, तो कुल कितने चर हैं? दो चर हैं। इस चर का भी घात एक है, इस चर का भी घात एक है, तो इससे स्पष्ट है कि एक रैखिक होगा।
ठीक है ना, दो चर हैं और साथ ही साथ रेखिक हैं, दो पक्ष हैं, तो समीकरण हो गया, ठीक है ना, दो रेखिक समीकरण युग्म हो चुका है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण हो चुका है, ठीक है ना, के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी व सी के मान क्या करना है ज्ञात कीजिए। एक चीज़ हमने थोड़ा सा त्रुटि कर दिया, युग्म यहाँ एक होगा, ठीक है ना, दो समीकरण नहीं है, एक ही समीकरण है जिसके फलस्वरूप हम युग्म नहीं कह सकते। आइएगा, हमें ए बी और सी का मान ज्ञात करना है, आइए एक एक करके हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 बार। अब हमें क्या करना है, एक पक्ष में जीरो करना है और यहाँ पर एक पक्ष में जीरो तो है नहीं, तो इस चीज़ को हम ट्रांसफ़र कर दे सकते हैं, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक दिस एम्प्लाइज 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। अब जो हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, बट यहाँ क्या आया हुआ है, माइनस, तो ये उधर चला गया तो क्या बचेगा, जीरो। इसको लिख सकते हैं या 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 बार इक्वल जीरो। अब देखिए प्लस है प्लस है, प्लस है प्लस है, जीरो है जीरो है, की तुलना किससे करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो से करने पर, ठीक है ना भैया लोग, अब हम तुलना करने जा रहे हैं। ये हमारे पास x के बगल में 2 है, x के बगल में a है, ठीक है ना, तो x का कोफिशियंट कितना है, ये x का कोफिशियंट कितना है, 2 है, तो a का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, a बराबर हो गया 2। y का कोफिशियंट कितना है, b, y का कोफिशियंट कितना है, 3, तो b इक्वल हो जाएगा 3 तथा c इक्वल हो जाएगा, अचर पद है ये भी अचर पद है, माइनस 9.35 बार। तो इस प्रकार से हमने ए बी और सी के मान को फाइंड आउट कर लिया। एक बार पुनः मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, एक पक्ष में जीरो चाहिए, एक पक्ष में जीरो नहीं है, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, इधर कुछ नहीं बचेगा मतलब जीरो बचेगा, तो वही काम किया है, हमें प्लस चाहिए प्लस चाहिए, प्लस है बट माइनस है, तो एक काम करते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ का दूसरा रूप ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हमने क्या किया, तुरंत ही इस चर रेखिक समीकरण को हमने क्या किया, दो चर रेखिक समीकरण को हमने क्या कर दिया, इसकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो से तुलना कर दिया, एट लास्ट वी गेट ए वी एंड सी, हमें ए बी और सी के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुख करते हैं। आइएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है आपके सामने, यक्स माइनस वाई वाई फाइव माइनस 10 इक्वल जीरो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बटा एक लिख सकते हैं, इसका बटा एक लिख सकते हैं, तो इसका लासा कितना होगा, इसका लासा हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो एक पंचे 5, 5 यक्स हो जाएगा, और माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए, 5 वाई कन्यम वाई हो गया, एक पंचे 5, 5 दाइम कितना हो गया 50, और इक्वल कितना आपके पास है, 0 है। अच्छा भैया, दिस एम्प्लाइज लिख सकते हैं क्या, 5x माइनस वाई माइनस 50, और ये 5 का भाग है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और जानते ही हैं ब्रह्मांड के साथ कोई टकराएगा तो विलीन हो जाएगा, मतलब अगर किसी भी नंबर्स का, अगर कोई आपके पास जीरो है और उस जीरो में किसी नंबर का गुना करेंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो 5 शून्य कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज। अब आइएगा चलते हैं, हाँ एक त्रुटि हुआ है, यक्स होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको लिखने वाले हैं हम 5x, ठीक है ना, प्लस माइनस वाई,
और प्लस माइनस 50 इक्वल जीरो, और यही हमारा क्या हो गया भैया, समीकरण हो गया। अब इसकी तुलना की तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो से करने पर। तो तुलना करेंगे तो x का कोएफिशिएंट कितना है, ये x का कोएफिशिएंट कितना है 5, y का कोएफिशिएंट कितना है b, और y का कोएफिशिएंट कितना है माइनस एक हो जाएगा, तथा c इक्वल कितना मिलेगा माइनस 50। ये बात समझ में आया ना, कुछ था नहीं, एक बार पुनः हमारे पास क्वेश्चंस यही था, ठीक है ना। अब हमारे पास इसको हर एक लिख सकते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा 5 होगा, एक पंचे पाँच, पाँच एक्स, पाँच एकन्नम पाँच, वाई एकन्नम वाई, एक पंचे पाँच, पाँच दाइम 50, और इसके बाद पाँच का भाग है उधर जाएगा तो पाँच का गुणा होगा, जीरो में पाँच का गुणा करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल जीरो, हमें हर कंडीशंस में प्लस चाहिए, हम एक काम किए हैं प्लस कर दिए हैं, इसको अंदर कर दिए हैं, प्लस कर दिए, इसको अंदर कर दिए हैं। अरे भाई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा ना। तो ये चीज़ अभी इतना ही है, लेकिन हमें इसके रूप में बनाने के लिए मैंने कुछ इसमें छेड़खानी किया है, कुछ ऑपरेशन किया है, और एट लास्ट हमने इसका कंपेयरिंग इस ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो से कर दिया। एट लास्ट वी गेट वैल्यू ऑफ a, v एंड c। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। चलिए इसको मिटा दिया जाए। किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें आप लोग बता दिया कीजिए, ठीक है ना, कि सर यहाँ समझ में हमको नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो थर्ड है वो लिखा क्या है, कह रहा है कि माइनस 2x प्लस 3y इक्वल 6। एक पक्ष में हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए, लेकिन एक पक्ष में यहाँ जीरो नहीं है। एक काम करते हैं, दिस एम्प्लाइज माइनस 2x प्लस 3y और प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 6 होगा, इक्वल उधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। अब इसके बाद क्या है, इस चीज़ की तुलना किससे कर दिया जाए, कि तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो से करने पर। तो तुलना कर देंगे तो x का कोएफिशिएंट कितना है, ये x का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 2, बी का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट कितना है b, और y का कोएफिशिएंट कितना है प्लस 3, तथा c इक्वल कितना होगा माइनस 6 होगा। हमने तुलना किया और तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात हमने a, v और c के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है कौन सा, फोर्थ आता है। आइएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है, फोर्थ है x प्लस 3y, ठीक है ना, दिस एम्प्लाइज ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल जीरो बचेगा। अच्छा भैया इस चीज को लिख सकते हैं या x प्लस माइनस 3y और प्लस जीरो तो ऐड कर सकते हैं ना, इक्वल जीरो कर दिए। की तुलना किससे कर दे भैया, की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो से करने पर। तुलना हमने कर दिया, अब हमें क्या करना है, a, b और c के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अच्छा यहाँ 1 तो लिख सकते हैं ना, और तब हमें मिलेगा क्या, a इक्वल 1 मिलेगा, b इक्वल हमें मिलेगा माइनस 3, तथा c इक्वल कितना मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने a, b और c के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो बता दिया कीजिए भाई, ठीक है ना, शरमाइए मत, गुर से कपट मित्र से चोरी, ये काना ये कोरी, ठीक है ना। तो आप लोग हमसे कोई चीज़ छिपाइए मत, बताइए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो मार खा जाएंगे आप लोग, पिट जाएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। आप कहेंगे सर जी कैसे मारेंगे, हम तो ऑनलाइन हैं, आप कैसे मारेंगे, तो भैया मारने के लिए बहुत तरीके हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिफ्थ है। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फोर लगा उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी लगेगा। लिखा क्या है, 2x इक्वल माइनस 5y, ए बाओ हाई माइनस है ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा सारा चीज़ उधर ट्रांसफ़र हो गया तो इधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। अच्छा इस चीज़ को लिख सकते हैं या 2x प्लस 5y प्लस जीरो इक्वल जीरो की तुलना, की तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो से करने पर। तुलना हमने कर दिया तो a का मान हमें 2 मिलेगा, b का मान हमें 5 मिलेगा तथा c इक्वल कितना मुझे मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने a, b और c के मान को प्राप्त कर लिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कैसे लगेगा इस चीज़ को भी देख लिया जाए, मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अब हम थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ा ले रहे हैं। 3x प्लस 2 इक्वल जीरो, ये केवल और केवल एक चर है, उस चर का नाम 3x है। हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर, देखिए ax प्लस by दो चर है ना, तो यहाँ से दूसरा चर गायब है। तो इस चीज़ को एक काम करते हैं, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल जीरो लिख सकते हैं। अरे भाई किसी भी नंबर्स में, किसी भी नंबर्स में जीरो ऐड कर दीजिए तो क्या उसके सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या, नहीं। तो हमने क्या किया है, दो चर बनाने के लिए 3x प्लस 0y प्लस 2, हालांकि ये एक चर होगा ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा केवल और केवल हमने आपको बेवकूफ़ बनाने का काम किया है ठीक है ना। 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल जीरो की तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो से करने पर। तो a का मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, b का मान 0 मिलेगा तथा c का मान कितना मुझे मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हमने इस प्रकार से a, b और c के मान को प्राप्त कर लिया ठीक है ना, नोट हो गया। अब आइएगा, किसी को कोई दिक्कत, देखिए नाइन्थ में पढ़ने वाले छात्र किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप हमसे तुरंत निदान करवा सकते हैं। आइए चलते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 6 तो हो गया ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7, ए लाल 7 में भी कितने चर हैं, एक चर हैं। देखिए केवल और केवल वाई है ना, तो एक काम करते हैं इस चीज़ को लिख सकते हैं 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल जीरो। अब इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो से कर देंगे तो a का मान मुझे मिलेगा 0, b का मान मुझे मिलेगा 1 और c का मान मुझे मिलेगा कितना, माइनस 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास एक लास्ट बचता है 5 इक्वल 2x। इस चीज़ को लिख सकते हैं, एक पक्ष में 0 करना है तो या तो 2x को इधर बुला लीजिए या तो 5 को इधर भेज दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वही कर लीजिए। चलो 2x प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, y वाला टर्म नहीं है ना, तो इसको हम 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल 0 कर सकते हैं। और इसके बाद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से तुलना कर देंगे तो a का मान मुझे मिलेगा 2, b का मान मुझे मिलेगा 0 और c का मान कितना मिलेगा, माइनस 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने a, b और c के मान को प्राप्त कर लिया ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 4.1 को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद भी किसी को कोई समस्या होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9672072, आप वहां से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको बस एक प्रॉब्लम, मतलब किसी भी तरह से कोई समस्या हो तो आप हमसे तुरंत निदान ले सकते हैं ठीक है ना। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।